बटर गेम अपा इस प्री स्टार्ट गेम सो सेकंड सर्विस एक एग्जीबिशन मैच जाता सारे भूगे सिटी की मैच है सो जानपले असा ते वार्म अप केला असा आफ्टर दिस मैच जानपले वार्म अप केला भूगांग हा विरोध करतो त्यांची स्ट्रॅटेजी अनिमी ठरलेली असा सो अल्कोमीटर भूगे लागतो ना जानपले लागतो ना एग्जीबिशन मैच प्लीज नोट Sai Ganesh Royal and 12 men of Aryan Panthers 77 captains, you are requested to send your 12 men in com box. चिका पाटील सर खेळ अडीकडे कसं झालं कृपया बघितलं बघून कॉमेंट्री बॉक्स इन कॉन्टॅक्ट करचो चिका पाटील यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टॅक्ट कॉम बॉक्स अँड सो ऑल्सो हिअर इज अ रिक्वेस्ट फॉर कॅप्टन ऑफ बोथ द टीम्स प्लीज सेंड युअर 12 मेन इन कॉम बॉक्स सेकंड सेमी फायनल मॅच बिटवीन साई गणेश रॉयल वास्को अँड आर्यन पंत 777 सकाळी Captain of Aryan Panthers requested you to send your opening pair. So, आमच्या बरोबर सांगा लल्ला यादव रोहित स्पोर्ट्साचं जर बॅटा घेऊन येईल असा जर कोणाक बॅटा जाय जाल्यार कॉम बॉक्सान हांगा लल्ला यादव तुमकां उपलब्ध आसा कोणाक जर बॅटा जाय रोहित स्पोर्ट्स वास्को जाल्यार कृपया कॉमेंट्री बॉक्सान लल्ला यादव कॉन्टेक्ट करचो सो हियर वी गो विथ द सेकंड सेमी फायनल मॅच वी विल प्ले विथ साई गणेश रॉयल फ्रॉम मॉस्को अँड आर्यन पंथर 777 फ्रॉम साकोई आर्यन पंथर्स कॅप्टन यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड युअर ओपनिंग पेअर आणि कॉमेंट्री बॉक्सान आवाज जाता फुल्ली कॉमेंट्री घेऊन येता सर वसीम खरगीस थँक्यू सर 12th man, Sai Ganesh Royal Vasco, please report to commentary box. 12th man. Yes, thank you. Back to the game. Second semi-final of the day. Aryan Panthers, 777, Banam. Sai Ganesh Royal Vasco ke beech. आर्यन पैंथर की तरफ से सलामी जोड़ी मैदान पर अजीम पटेल और उनके साथ सरफराज नवाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए सरफराज नवाज उर्फ चप्पू फिलहाल मैदान पर और फील्डिंग में सजावट करते हुए साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान ने आमंत्रित किया सतीश को ये पहला और पावर प्ले का ओवर करने के लिए गेम ऑन सलामी जोड़ी आर्यन पैंथर्स की तरफ से सरफराज और आजिम फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर आजिम और गेंदबाजी के लिए सतीश बॉलिंग बैक पर हियर वी गो पावर प्ले का ये पहला ओवर करने के लिए सतीश के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी कप्तान ने गेंदबाज उन्नीकृष्णन फिलहाल बॉलिंग बैग पर पहली गेंद लेकर तैयार
खूबसूरत गेंद, यॉर्कर लेट की गेंद, बिल्कुल बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए उन्नी कृष्णन अपना पहले ओवर की पहली गेंद, बिंदी गेंद। सेमीफाइनल टू का ये मुकाबला, जो जीतेगी ये मुकाबला वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी और खेलेगी आयुष इलेवन कारापुर के साथ ये मेगा फाइनल आज की दिन का। फिर से एक बार उन्नी कृष्णन अपने बल्क मार्क पर तैयार। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन केवल एक रन मिलेगा तो नहीं बल्लेबाजों को, एक रन के साथ स्ट्राइक बदलते हुए अब चूंकि स्ट्राइकिंग एड पर आते हुए बल्लेबाज सरफराज नवाज उर्फ चप्पू। खूबसूरत शुरुआत कुल मिलाकर अब तक, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर मैन इन फॉर्म सरफराज नवाज सामना करेंगे उन्नी कृष्णन का। उन्नी कृष्णन फिलहाल एक लंबे रन अप के साथ अपनी बॉलिंग पर तैयार। इस पर आड़े बल्ले के साथ इस स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाके रुकी सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से बिना किसी नुकसान से। एक और बिंदी गेंद मैदान पर। पिछला सेमीफाइनल जो कि कांटे की टक्कर वाला मुकाबला, उस मुकाबले को जीतकर आयुष इलेवन कारापुर ने अपनी जगह बनाई है इस आमदर चषक के फाइनल में। पहली टीम बन चुकी है, अब देखते हैं दूसरी टीम कौन होती है इस फाइनल में। इस बार अच्छी गेंद, इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर हमारी स्क्रीन पर, लल्ला यादव बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी भी करी है पूरे टूर्नामेंट पर, उसके बाद बेहतरीन फील्डिंग भी। फिलहाल हमारी स्क्रीन पर कोई रन नहीं, फिर से एक बार बिंदी गेंद के रूप में मैदान पर उन्नी कृष्णन अपनी बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार तैयार। सामने सरफराज नवाज सामना करेंगे उन्नी कृष्णन का। इस बार खूबसूरत गेंदबाजी उन्नी कृष्णन की, हालांकि एक रन जरूर खर्च कर बैठे, लेकिन उसके बाद लगातार बिंदी गेंद दबाव डालने की कोशिश बल्लेबाजों पर, लेकिन देखते हैं सरफराज किस तरीके से जवाब देते हैं उन्नी कृष्णन को। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर वही का वही, एक रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस पावर प्ले ओवर की आखिरी गेंद लेकर उन्नी कृष्णन अपने बॉलिंग मार्ग पर एक लंबे रन अप के साथ सामने सरफराज नवाज। इस बार उड़ाया हाथ को लेकर मौका, गेंद को भेजा फाइनल लेग बाउंड्री पर छह रनों के लिए। खूबसूरत शॉट सरफराज के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का पहला छक्का। के लिए अगले गेंदबाज सतीश को जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान ने। केवल तीन फील्डर 30 गज दायरे के बाहर आपको दिखेंगे और इस बार स्ट्राइक पर सामना करेंगे आसिम पटेल। अच्छा ओवर चल रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पर एक लाजवाब शॉट सरफराज के बल्ले से निकलता हुआ और उस शॉट के साथ स्कोर 7 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के पहली ओवर की समाप्ति के बाद। और दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर सतीश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामने आसिम पटेल। इस बार उड़ाया गेंद, बिल्कुल खड़ी हो गई, कैच का मौका डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह गए वहां पर फील्डर, गेंद चली गई सिफारिश पर 6 रनों के लिए।
फिर से एक बार अपने अगली गेंद लेकर सतीश अपने बॉलिंग बैक पर, इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में, देखना होगा इस बार भी गेंद चली गई सीमा रेशा पार। जी दीपेश लगातार दो गेंदों में दो बड़े हिट अजीब पटेल के बल्ले से निकले, देखते हैं तीसरी गेंद पर क्या जवाब देते हैं फिलहाल सतीश अपनी बॉलिंग बैक पर। इस बार उड़ाया और इस बार तो देखने की भी जरूरत नहीं, बहुत दूर उड़ाया, गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर, छह रनों की। के अजीब पटेल के बल्ले से निकले और तीनों ही छक्के मिड विकेट और काव कॉर्नर के बीच में, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी अब तक अजीब की, एक अच्छी शुरुआत कुल मिलाकर। इस पर अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर सैयद बद्दी के हाथों में, बिना किसी रन से बिना किसी नुकसान से एक बिंदी गेंद काफी देर बाद, पिछली ओवर के आखिरी गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद लगातार तीन छक्के यानी कि चार छक्के लगातार और उसके बाद काफी देर के बाद एक बिंदी गेंद मैदान पर। फिर से एक बार सतीश अपनी बॉलिंग बैक पर, सामने अजीब पटेल, खूबसूरत गेंद, कुछ पढ़ नहीं पाया अजीब इस गेंद पर, बड़ा शॉट जरूर लगाना चाहते थे लेकिन बिल्कुल स्विंग एंड मिस का दृश्य मैदान पर। सतीश कम बैक करते हुए फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्क पर, फिलहाल इस बार उड़ाया, कितनी देर तक खामोश रखेंगे ये देखना जरूरी, और उड़ाया बहुत दूर, उड़ाया लोअर बाउंड्री पर एक गगनचुंबी छक्का अजीब पटेल के बल्ले से निकलता हुआ, ये चौथा छक्का। अंदाज भी बदला है वहां पर, अजीब पटेल ने चार छक्के उनके बल्ले से निकले पिछले ओवर में, अब फिलहाल स्ट्राइक पर सरफराज सामना करेंगे बसवराज का। और यहां पर क्या प्रयत्न, पूरे 100% देना चाहूंगा इस प्रयत्न के, क्योंकि जानते हैं ये किसका कैच है, ये सरफराज नवाज का कैच है, काफी अच्छा प्रयत्न किया था वहां पर विकेटों के पीछे। यासीन सिकर गुट्टे एक बड़ा नाम विकेटों के पीछे, बिल्कुल कैच पकड़ने का प्रयास तो पूरा किया था लेकिन बार बार बचे वहां पर सरफराज, फिर से एक बार बसो अपनी बॉलिंग बात पर।
इस बार बिल्कुल गेंद खड़ी होगी, अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को पकड़ना चाहते हैं और इस बार सफल रहे और एक बड़ी विकेट का पतन मैदान पर। सरफराज नवाज वापस जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। बिग मैन रियाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए अजीब का साथ देने के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर बसवराज की, एक विकेट जरूर चटकाया। पहली गेंद पर मौका जरूर था, हाफ चांस जरूर था, लेकिन दूसरी गेंद पर वही कारनामा करके दिखा और अपनी फॉलो थ्रू में एक बेहतरीन कैच पकड़ के एक बड़ा विकेट प्राप्त किया। फिलहाल सामने रियाज, देखते किस प्रकार से बल्ले गेंदबाजी करेंगे रियाज के खिलाफ। फिलहाल बॉलिंग मार्ग पर बसवराज अपने तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद, नो बॉल का इशारा हमारे अंपायर का, शायद हाथ से चटक गई है गेंद और इसी के चलते नो बॉल करार दिया अंपायर ने। अब रियाज के पास आते आते एक बड़ा शॉट खेलने का मौका, क्योंकि अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट की गेंद होगी। फिलहाल बसवराज तैयार इस फ्री हिट की गेंद लेकर, सामने रियाज तैयार। उड़ाया इस फ्री हिट गेंद पर और बहुत दूर उड़ाया, गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर। 6 रनों के लिए हमारे यहां खेलने का मौका दिया गेंदबाज ने बल्लेबाज को और इस मौके पर खड़े उतरे। एक बड़ा शॉट लगा पिछली गेंद पर, फिर से एक बार बसवराज अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार अच्छी गेंद लेकिन दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ, व्हाइट का एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस व्हाइट के चलते स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 39 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार बैक पर जाकर पंच किया लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर, खूबसूरत फील्डिंग की सजावट मैदान पर और वहीं पर गेंद तबा बैठे और एक और बड़ी विकेट का। पर एक खूबसूरत कैच शेर बहादुर यादव बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर तैनात थे और एक आसान सा कैच हुआ पर रियाज का, एक छक्का लगाने के बाद रियाज पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए और उनकी जगह लेने के लिए अगले बल्लेबाज दीपक मैदान की तरफ। फिलहाल बसवराज इस बार थोड़ी सी गलती वहां पर विकेट कीपर के और ये 22 का इशारा और 4 रन भी जरूर मिलते हुए 22 के रूप में। फिलहाल रन आने जरूरी, वो चाहे जैसे भी आए और इस 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 43 रन दो विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद,
इसे क्या आखिर गेंद, इस बार बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे लेकिन सफल नहीं रहे। और इसी के साथ सरफराज नवाज एंड द बिग मैन रियाज ऑल्सो वेंट बैक चीपली। मीनवाइल अजीम एंड दीपक आउट इन द मिडल। यस समीर फुल टॉस एंड गेट्स थंप्ड। Oh, backward square. And that's a maximum. Greeted with a maximum. Pesh. AKA Chip Chip. DJ Deepesh. DJ Deepesh getting ready for Shigmotsav, maybe. Meanwhile, back live again. In the air, chance fielder won't be able to get there, but will be a single. Nice ground covering by Asif Zamadar. Score goes on to 50. 50 runs on the board for Aryan Panthers 777, Sanghwa. Put into bat by Sai Ganesh Royal Suzga Vasco. Municipality team against the Panchayat team. Samir again. Nicely played. Down the ground and won't be able to cut it off. That's gone for four. Another boundary, this time by Deepak. Fifty-four for two. Swing missed. Dot delivery. Officials in this particular game, Sadgiri Naik and Govind Prabhu, both very experienced umpires. Third umpire, we have Anand Patil. Swing missed again. Another dot delivery. This is a really good comeback by the bowler Samir. Well, we are live on YouTube through tenniscricket.in all across the world, all the 197 teams. Swing missed. Dot delivery to NDO after completion of four. It's 54 for two after four overs. Iron Panthers 777.
doing, Basuraj Madar. Penultimate over, fifth over and sixth. That's all is left. Madar. Chance, oh, waved throw. And will be just a single. Score moves on to 55. 55 for two. Deepak. And knocks him over, gone. Furniture disturbed. And Deepak is heading back to the pavilion. New man in is Sangmesh. 55 for 3. Another 10 deliveries left. Nicely bowled. Will squeeze in a single. Leg buys the signal. No. Must have been bat. Yes, leg buys. Yes, you can thank me later, Mr. Umpire, for reminding you. Score moves on to 56. In total, 9 deliveries left. Scorecard is telling 56. Where is this score headed? Swing, missed, dot delivery. That's really good bowling. Really good comeback this by Basuraj Madar. In the air, fielder takes it easily. Another wicket falls, and Basuraj Madar has picked up 3 wickets in this over. Just giving 2 runs. Vasco.
After completion of 5 overs, it's 56. 56 for 5. Iron Panthers 777. Final over coming up. And it will be Yasin Shingangutti from the highway end. Sangmesh on strike. Final 6 deliveries. Let's see what kind of total are the Aryan Panthers 777 trying to set. 56 for 5 at the moment. Final 6 deliveries from the highway end from Yasin Shingangutti. In case if you have joined just now, then this is Amdar Chashak 2024 semi-final 2 between Vasco and Sangwar. Yes, Yasin. Swings, misses, dot delivery. Previous game, it was 73 set by Avish Levin, Karapur, and then they defended it pretty successfully in that last over. 9 runs were needed, and Sachit kept his calm, kept his cool. Nicely played. Excellent bit of work in the field by Unnikrishnan. Just a single. Score moves to 57. Well, we are live on YouTube through tenniscricket.in. And I am partnered by Vaseem Kargis, Jay Bhosle, and yours truly, Shyam Kalangutka, in the commentary box. And also Ajay Bakkar bhai. Nicely bowled. Excellent bowling this, following the batsman, cramping him for room. Leg by is the single given. Score moves on to 58. Excellent bowling this. You just never know, two strong teams are up for the grabs in that final, and smallish total also can be difficult under lights. Just starting to chill a bit. Down the leg side, and will be a wide. Yes, it is wide. Signaled by the umpire. Officials in this particular game, Sadgiri Naik and Govind Prabhu, both very experienced umpires. We also have television umpire. That is the third umpire, Anand Patil. And scoring has been done by Ganpat. Let's that one go. In fact, that's a no ball. Now it will be a free hit. License for the batsman to go after the bowling. Started off pretty nicely. And now this over is trying to be lengthy. Score moves on to 60. Free hit time. Sangmesh on strike. Can he deposit this in the crowd? In fact, and now the no ball. So the free hit continues. Score moves on to 61. Just feeling the pressure at the moment is Yasin Shingangutti. Started off pretty nicely with some excellent bowling, following the batsman, and now just has been off target. Winner to take home rupees 1,01,000 and a trophy. Runners up will get rupees 50,001 plus trophy. Nicely bowled. Will be a single. Free hit doesn't cost them much. Just a single down to deep mid wicket. Four deliveries. DJ Chika, what's happening? Maybe some notification. Yeah, okay. And big. That's a humongous hit.
and the ball just disappears in the night sky. Innings of Sangwar. No proper timing then that one. Down to deep mid wicket. Will be a single. Will be coming back for the second one. Oh, wavered through. And a couple of runs taken. That will be out. So two runs have been added on the final delivery. Aryan Panthers 777. Have managed 70 runs for the loss of 6 wickets. In first, they were put into bat by Sai Ganesh Royals Vasco. Talking about their scorecard, top scored by Azim with 33 runs, equally supported by Nandesh, Sarfaraz, Riaz, who went very quickly. Talking about the bowling, Basuraj Madar was the pick of the bowlers, giving away just 12 runs in his 2 overs and picked up 3 wickets. In fact, 4 wickets for him. And rest, they just chipped in. So the target for Sai Ganesh Royals Vasco will be 71 in 6 overs. Meanwhile, it will be change in commentary box. It will be Jay Bhosle, sir. तशें प्लेयर फोडप चालू आसा सर जाणटेल्यान मी भिवो नाका भुरग्यां कडेन कितलोय पयसो आसूं कितलोय मत आसूं तुमच्या कडेन अनुभव आसा एक्सपिरियन्स आसा तेज्या दृश्यान तुमी शिकयता ज्या प्रमाणे आमदार फोडप चालू आसा तशें हांगा प्लेयर फोडप चालू आसा एक्झिबिशन मॅचीचे धन्यवाद वसीम परत एकदा सर्व क्रीडा रसिकांचं या
क्रिकेट च्या मैदानावरती हार्दिक स्वागत। दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स 30 उसगाव आयोजित या आमदार चषक 2024 आणि या सामन्याचा जर विचार केला आर्यन पॅंथर 70-70 संघाने या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 6 षटकामध्ये या ठिकाणी धावा जमवल्यात 70 आणि 71 धावांचं हे आव्हान या मैदानावर ठेवलंय आणि त्या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उंचपुरा असा खेळाडू आपल्याला मैदानावरती सय्यद बद्दी आणि त्याच्या जोडीला सब नाटक है भाई लल्ला यादव ज्याने या स्पर्धेत एक अर्धशतक झळकावले आपल्या संघासाठी तोच लल्ला यादव नॉस्ट्रॅक एंडला आपल्याला दिसेल स्ट्राईकला दिसेल सय्यद बद्दी आणि गोलंदाजी मार्क वरती अरुण हा गोलंदाज पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा एक सुरेख फटका कव्हरच्या दिशेने खेळला जात आहे त्यावेळी सुंदर क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे संभाव्य चौकार सीमारेषेच्या आतमध्ये अडवला जातोय आणि केवळ एका धावेवर समाधान मानावं लागते सय्यद बद्दीला स्वतःच खातं खोलतोय या ठिकाणी 71 धावांचा पाठलाग करताना या मैदानावर महत्वपूर्ण असा हा सामना ज्या ज्यावेळी टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये तालुका लेवलच्या क्रिकेट स्पर्धा होतात त्या त्यावेळी हे सर्व खेळाडू एकत्रित खेळताना आपल्याला दिसतात मात्र पंचायत आणि म्युनिसिपालिटीच्या या क्रिकेट स्पर्धेचा जर विचार केला तर हे खेळाडू एक संघ दिसतोय पंचायतचा तर दुसरा संघ दिसतोय म्युनिसिपालिटीचा या मैदानावरती लल्ला यादव स्ट्राईकला सामना करेल अरुण बरीच वर्ष क्रिकेटला अनुभव देणारा लल्ला यादव यावेळी मात्र सुरेख चेंडू टप्पा पडल्याने थोडासा बाहेर जातोय त्याचमुळे पंच त्याला वाईड घोषित करतायत अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावाने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ते बिनबाद 2 धावा समोरचा संघ खतरनाक अंदाज मध्ये फलंदाजी करून गेला आर्यन पॅंथर 70-70 संघ आता मात्र फलंदाजाने केलेली कामगिरी आणि त्याला वलय हवं ते म्हणजे गोलंदाजीच आणि तीच गोलंदाजी या ठिकाणी धारदार करावी लागेल त्या आर्यन पॅंथर संघाला यावेळी एक मोठा फटका उत्तंग फटका गॅप मधून चेंडू जाईल वन बॉल सीमारेषेच्या बाहेर मिड विकेट क्षेत्रातून 4 धावांसाठी बहुत ही बढ़िया साथ शुरुआत करना चाहते थे लल्ला का बल्ला माशाल्लाह चौकार तो निकतोय लल्ला चा बैट मधून धाव संख्या पोचते थी 6 धावावरती परत एकदा बैठक स्ट्रोक पहा किती सुंदर बदल आलित पहा किती सुंदर त्याहून चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण दीपक कडून या ठिकाणी पाहायला मिळतंय संभाव्य चौकार या ठिकाणी रोखला जातोय एकेरी धाव आणि एकेरी धावाने धावसंख्या पुढे सरकते ती 7 धावा या धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतायत चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते या ठिकाणी कारण एक चौकार जो आलाय तो या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणावरती मर्यादा असल्यामुळे कारण हे षटक जे आहे ते पॉवर प्लेचं षटक सुरू असताना लल्लाचा परत एकदा या ठिकाणी सय्यद बद्दी मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता चेंडू फळीचा संपर्क होत नाही मनामध्ये एक धाकधूक संशयाची पाल हा फटका चुकला कसा चेंडू बॅटवरती आला नाही कसा मात्र ज्यावेळी चेंडू हात बॅटवर येत नाही त्यावेळी हात चोळत बसा यावेळी आडव्या बॅटचा फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने परत एकदा क्षेत्ररक्षण बऱ्यापैकी कमबॅक या ठिकाणी करताना दिसतोय संघ प्रत्येक धावा जमवताना तुम्हाला झगडावं लागेल या मैदानावर प्रत्येक चेंडू हा आम्ही तुमच्या दिशेने टाकू मात्र या चेंडूवरती फटका खेळताना काळजी घ्यावी लागेल याच इरादाने आर्यन पॅंथरचा गोलंदाजी करतोय अरुण मैदानावरती सय्यद बद्दी उंचपुरा मोठे फटके खेळण्यात वाकबर विस्फोटक फलंदाज म्हणून ज्याची गोवा राज्यामध्ये गणना तोच सय्यद बद्दी स्ट्राईक एंडला आपल्याला दिसतोय यावेळी मात्र बऱ्यापैकी फटका कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू जातो त्या ठिकाणी सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी कौतुकाची थाप पाठीवर बसतात फलंदाजाच्या बॅट मधून एक उत्तुंग फटका 6 धावांसाठी डावातील पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त आणि धाव संख्या पोहोचली ती 13 रन्स वरती
मध्ये पहिले षटक संपल्यानंतर दुसऱ्या षटकासाठी या ठिकाणी आमंत्रित केलं गेलंय. तर संगमेश या गोलंदाजाला पहिल्या षटकात निघालात एक षटकार एक चौकार आणि त्यामुळे 13 धावा धावफलकावरती 71 धावांचा पाठलाग करताना या क्रिकेटच्या मैदानावरती हा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना आमदार चषक 2024 सिद्धिविनायक क्रिकेटर्सच्या वतीने आयोजित ही भव्य अशी क्रिकेट स्पर्धा. यावेळी हा चेंडू वेगवान पद्धतीचा फटका मारायचा होता. किंचितसा बाहेर जाणारा चेंडू यष्ट्या उद्ध्वस्त केला जात आहे. मात्र लल्लाला माहिती आहे सरफराज हा अतिशय उत्कृष्ट यष्टी रक्षक जो जवळपास यष्ट्यांना खेटून उभा त्याचमुळे आपला पाय पुन्हा एकदा पॉपिंग क्रीज मध्ये आणतोय स्वतःला सुरक्षित करतोय. चेंडू निर्धाव जातोय त्या ठिकाणी धावसंख्या 13 अशी धावफलकावरती स्थिरावलेली 71 धावांचा हा पाठलाग मैदानावर सुरू असताना यावेळी मात्र खोदून काढलेला फटका परत एकदा सरळ बॅटचा मिडॉनच्या दिशेने जातोय. क्षेत्रक्षण आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतोय. परती करतोय एक धाव एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती 14 धावा या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. सामना जिंकावा के या ठिकाणी आणि अंतिम फेरीमध्ये दिमाखात प्रवेश करावा हा इरादा दोन्ही संघाचा असेल. स्वप्न तर दोन्ही संघ पाहत आहेत मात्र जो प्रयत्न करतो त्यांचीच स्वप्न सत्यात मित्रांनो उतरत असतात आणि तेच प्रयत्न मैदानावर 100% तुम्हाला यश देऊन जातात. थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातोय. थोडीशी बातचीत या ठिकाणी केली जाते रियाज आणि सरफराजच्या याच्यामध्ये. परत एकदा सामना सुरू होतोय. थोडस फलंदाजावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय समोरच्या संघाकडून. यावेळी शॉट चेंडू हे तर आमंत्रित होतोय. हा बैल मुझे मार फटका सीमा पार 6 धावांसाठी सय्यद बद्दीच्या बॅट मधून निघतोय खणखणीत षटकार. झाले ती 20 धावा. सामन्यामध्ये कम बॅक करायचं आर्यन पॅन्थर संघाला एक बळी एका बळीची आवश्यकता जमलेली जोडी तोडण्याची आवश्यकता असेल गोलंदाज अरुणला. सय्यद बद्दी परत एकदा सज्ज होतोय. यावेळी मात्र परत एकदा फटका मी तुम्हाला सीमारेषेच्या बाहेर लिहिलेल्या पाठवेन चेंडू माझ्या आवाक्यात चेंडू वरती विस्फोटक प्रहार चेंडू बघता बघता फरार होतो टांगा पलटी गोर फरार षटकार. षटकारांचे आतषबाजी सय्यद बद्दीच्या बॅट मधून जेवढी त्याची उंची तेवढेच उंच उंच षटकार पाहायला मिळतात. काय करावं मैदानावरती एक वादळ गोंगावतोय. तुफानामध्ये या ठिकाणी गोलंदाजी भरकटते. लागोपाठचे दोन षटकार काय करेल अरुण पुढच्या चेंडूवरती. परत एकदा हा चेंडू हा या द्या हा तिसरा षटकार माझ्या बॅट मधून. तुम्ही काही करा माझ्या बॅटला तुम्ही लगाम घालू शकत नाही माझी बॅट तुम्ही आवरू शकत नाही कारण आम्हाला अंतिम फेरीचा दरवाजा खुलावतोय. आम्हाला अंतिम फेरीमध्ये दुसरा संघ बनायचा आहे तो जाणारा. एकूण धावसंख्या बदल करतोय. धावसंख्या परावर्ती 24 धावा 32 धावा या धावफलकावरती 71 धावांचा पाठलाग करताना काय विस्फोटक फलंदाजी विध्वंसक फलंदाजी मैदानावरती. एखादा बॉम्बस्फोट व्हावा आणि त्यानंतर सर्वत्र केवळ आणि केवळ राख दिसावी अशा पद्धतीची ही षटकारांची आतषबाजी मैदानावरती. क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षकांच्या भूमिकेत. यावेळी जमिनीलगतचा सुरेख फटका पहा काय चाललंय क्रिकेटमध्ये. क्रिकेट मित्रांनो कशाला म्हणतात आक्रमकतेबरोबरच सिंगललाही तेवढंच महत्व हेच या ठिकाणी जाणतोय सय्यद बद्दी. शेवटच्या चेंडूवरती घेतोय सिंगल दुसऱ्या षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. धावसंख्या पोहोचते 71 धावांचा पाठलाग करताना 33 धावा या धावफलकावर बिनबाद. 24 चेंडूंचा खेळ
षटक 38 धावांची आवश्यकता 24 चेंडू आम्हाला कशाला पाहिजेत केवळ हा सामना आम्ही 6 षटकात 6 चेंडूत सुद्धा संपवू शकतो हा इरादा सय्यद बद्दीचा मैदानावरती कारण ज्याच्या ज्या पद्धतीने त्याने फटकेबाजी केली चेंडू त्याला आता फुटबॉल सारखा दिसतोय या निश्चितपणे प्रकाश होतात सुरू असलेल्या या सामन्यात पाहायचंय आणि गोलंदाजी मध्ये जो कायम फलंदाजांच्या डोक्यावर करतो राज तो सरफराज येतोय गोलंदाजी मार्ग वरती काय मॅजिक होईल का जादू दाखवील का या ठिकाणी सय्यद बद्दीच्या पायामध्ये बेड्या टाकल्या जातील का जंजिरी टाकून त्याला जखडून ठेवलं जाईल का की दुसऱ्या बाजूने त्याची बॅट जी तलवारीप्रमाणे चालते तीच बॅट या ठिकाणी सामना संपेपर्यंत चालत राहील का ही येणारी काही षटक ठरवतील काही चेंडू ठरवतील परत एकदा हा चेंडू पहा एक स्लॉग स्वीपचा फटका खेळायचा प्रयत्न होता थोडस लेझी फिल्डिंग पाहायला मिळाली सुस्तावलेली फिल्डिंग पाहायला मिळाली मित्रांनो मैदानामध्ये गोंधळ तो काय सावळा गोंधळ कशाला म्हणतात तोच या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करणारा संघ तुम्हाला दाखवतोय एखादा ज्यावेळी दबावात खेळतो फलंदाज त्याचवेळी तो दबाव आपल्या अंगावर घेत क्षेत्ररक्षण कसं विस्कळीत करता येतं हे ज्वलंत उदाहरण या ठिकाणी दाखवून देतोय तर सय्यद बद्दी धाव संख्या पोहोचते ती 35 धावांवरती यावेळी मात्र दमदी लगतचा एक सुरेख फटका मिडविकेटच्या दिशेने खेळला जातोय लल्लाला माहिती आहे सिंगल बरोबर आता धाव संख्या थोडीशी पुढे सरकावावी लागेल कारण षटकार तर सय्यद बद्दीच्या बॅट मधून लिलया या ठिकाणी बाहेर पडत आहेत आपल्याला फक्त त्याला जास्तीत जास्त स्ट्राईक द्यायची हाच इरादा या मैदानावरती स्वागत विनंती कृपया वीआयपी स्टैंड बसन घे सरपंच श्री रामनाथ डांगी ओवर टू यू सर जय भोसले सर पर आज चेंडू निर्धाव गेला लल्ला यादव साठी लल्ला मात्र अनुभवाने भरपूर हा खेळाडू अतिशय सुरेख चेंडू यॉर्कर लेंग पद्धतीचा पूर्णपणे चकवून जाणारा चेंडू लल्ला यादव पूर्णपणे निष्प्रभ कधी एका बाजूला पारडं झुकतंय कधी दुसऱ्या बाजूला झुकतंय याला तर मित्रांनो क्रिकेट म्हणतात कारण हिंदीमध्ये म्हटलं जातं क्रिकेट का ये अद्भुत आहे खेळ या हर प्रेडिक्शन आहे फेल मित्रांनो अनेक भविष्यकर्त्यांची भविष्य फोल ठरवणारा हा क्रिकेट ज्यावर करोडो लोक फिदा यावेळी यॉर्कर लेंग पद्धतीचा चेंडू खोदून काढलेला फटका क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडू अडवतोय परती होईल तोपर्यंत एक सिंगल मिळेल आतापर्यंत या षटकाचा जर विचार केला अतिशय सुरेख षटक टाकलं गेलंय ते सरफराज कडून धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती एकूण धावसंख्या 37 धावांवरती अजूनही 34 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी सामन्यामध्ये जर परतायचा असेल तर सय्यद बद्दी नावाचा हा अडसर आर्यन पॅन्थर संघाला दूर करावाच लागेल नाहीतर सामना कधी संपेल कळणारही नाही यॉर्कर लेंग पद्धतीचा चेंडू परत एकदा गॅप मधून चेंडू वन बॉल सीमा क्षेत्राच्या बाहेर जातोय 4 धावांसाठी सय्यद बद्दीचं वादळ थांबण्याचं नाव घेत नाहीये धावसंख्या मात्र 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 41 अशी धावसंख्या या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते औचित्य असेल सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स 30 कुसगाव आयोजित आमदार चषक 2024 दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय एकूण धावसंख्येचा जर विचार केला तर 41 अशी धावसंख्या धावफलकावर उरलेत अजूनही 3 षटक आणि 3 षटकामध्ये अजूनही 30 धावांची आवश्यकता असेल ती हा सामना जिंकण्यासाठी साई गल जी वास्कोची टीम खेळता ती वास्को हॅलो साई गणेश रॉयल जी सेमी फायनल खेळता नाव असा साई गणेश रॉयल ऍड्रेस असा वास्को पण ओनर असा आमचं उसगोचो तिसकावलो गोविंद रत्नाकर परब पात्रेकर ओनर जो असा या टीव्हीचो साई गणेश रॉयल
वास्को आणि गोबर जायते टूर्नामेंट जाहीर झालेला असा तितुला तितुर एक वर्ल्ड टूर्नामेंट जाहीर जाता पान पराग उसगाव 3, 4, 5, 7 एप्रिल आणि विनरक मेळा 3 लाख रुपया पंचायत आणि म्युनिसिपॅलिटी लेवलचं टूर्नामेंट 3, 4, 5, 7 आणि विनरक 3 लाख. ओवर टू यू जय भोसले. गोलंदाजी मध्ये पहिला बदल या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मध्ये लोकेश नावाचा हा गोलंदाज आपल्याला दिसेल. 30 धावांची आवश्यकता, 3 षटकांचा खेळ बाकी, 18 चेंडू 30 धावा हे विजयाचं समीकरण पार करण्यासाठी किती चेंडू लागतील त्याही पेक्षा हे आव्हान पार करण्यासाठी, हे रोखण्यासाठी गोलंदाज काय करेल. हा चेंडू बराच बाहेर, पंचांचा इशारा वाईडचा येतो, हातातून सुटलेला हा चेंडू. अतिरिक्त धाव, अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 42 रन्स वरती. 71 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला उपांत्य फेरीचा सामना जशा पद्धतीने रंगला होता त्याच भरतीवरती हा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामनाही रंगताना दिसतोय. मात्र एका बाजूला सय्यद बद्दे, दुसऱ्या बाजूला लल्ला यादव, गोलंदाजी मार करतील लोकेश, काय घडेल काय हे येणारे हे 6 चेंडू निश्चितपणे ठरवतील. यावेळी हा चेंडू बऱ्यापैकी सुंदर चेंडू, स्विंग अँड मिस पद्धतीचा निर्धाव निर्धाव चेंडू तुम्हाला टाकावे लागतील. त्याही पेक्षा मोठा अडसर सय्यद बद्दी लल्ला यादव यांना तंबूत तुम्हाला परतावा परत पाठवावं लागेल, तरच या सामन्यामध्ये कमबॅक होऊ शकतं ते आर्यन पंथर 70-70 संघाचा. परत एकदा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर, पंचांचा इशारा येतो तो वाईडचा. अतिरिक्त एक धाव, अतिरिक्त एकेरी धावीने धावसंख्येमध्ये बदल घडत धावसंख्या पोहोचते ती 43 धावांवरती. 28 धावांची आवश्यकता असेल ती या ठिकाणी हा सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी परत एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, फटका पसतोय, क्षेत्ररक्षक चेंडू खालते आणि ज्या ठिकाणी जो ब्रेक थ्रू पाहिजे होता तो ब्रेक थ्रू अखेर या ठिकाणी संपुष्टात येतोय. या स्पर्धेत ज्याच्या नावावर अर्धशतक लागलं गेलं होतं तो लल्ला यादव अखेर बाद होऊन तंबूच्या दिशेने पहिला हादरा या ठिकाणी बसतोय साई गणेश रॉयल्स वास्को संघाला. धावसंख्या ही 43 धावपळकावरती असताना बक्षीस वितरण सोहळ्याचे निमित्त समाजसेवक रुपेश फटके यांना पडल्याचा कृपया प्रायश्चिन्हाचे ऋण बसून घ्यायचे. रुपेश फटके ज्यादा एक्सरसाइज भी सेहत के लिए हानिकारक होती है. आता मात्र एक गडी बाद केल्यानंतर थोडस कांदे वर उठले ते आर्यन पॅंथर संघाचे. सामना जिंकण्याची संधी आपल्याला आहे, एखादा गडी आणि बाद करावा. अजून या ठिकाणी 28 धावांची आवश्यकता असेल. अन्य बॅटर मैदानात गेलाय तो म्हणजे नेहाल. यावेळी मात्र मोठा फटका मारायचा, परत एकदा कारंजा उडतोय, क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकत नाहीये, गॅप मध्ये चेंडू पडतोय. एकेरी धाव आणि एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती 44 रन्स वरती. सय्यद बद्दी नावाचा मोठा अडथळा या ठिकाणी आर्यन पॅंथर संघासमोर उभा टाकलाय. सामना जिंकावा की नाही या ठिकाणी ती निश्चित होईल. अजूनही 27 धावांची आवश्यकता असेल या षटकातील. अजूनही 15 चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक. यावेळी मात्र त्रिफळ होत बसत, काय घडतंय मैदानामध्ये? एखादा धरणी कंप तर झाला नाही ना या ठिकाणी? धरणी हल्ली तर गेली नाही ना? हा विध्वंस या मैदानावर या दुसऱ्या तिसऱ्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. लोकेश मात्र आपल्या संघाला जे यश हवं होतं ते यश या ठिकाणी प्राप्त करून देतोय. एक हलकासा आशेचा किरण पुन्हा एकदा पल्लवित करून देतोय या मैदानावरती. काय सामना रोमांच परिस्थितीमध्ये आलाय, काय घडेल काय बिघडेल
मात्र मैदान वरती पहा मित्रांनो क्रिकेट रसिकांच्या डोळ्यांचं पारण फेडणारा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना डीजे अनेक उत्तुंग फटकेबाजी पाहिले बऱ्याच गोलंदाजांना घरचा रस्ता ज्याने दाखवला तोच टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये एक आक्रमक विस्फोटक फलंदाज या मैदानावर आपल्याला सय्यद बद्दी बाद झाल्यानंतर मैदानावरती आता मात्र सरफराज थोडासा आक्रमक व्यूहरचना लावण्याचा प्रयत्न करतोय आलेली संधी गमवायची नाही सिकंजा कसायचा पायामध्ये बेड्या टाकायच्या या इराद्याने मैदानावरती क्षेत्ररक्षण लावताना दिसतोय प्रणव पोजी तयार फलंदाजीसाठी थोडस आपल्या लाइनअप मध्ये चुकतोय थोडस या ठिकाणी पंचांचा इशारा नेट बॉलचा दबाव दबाव आणि फक्त दबाव मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय परत एकदा अतिशय सुरेख चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू जणू इशारा करतोय जसा आलास तसा तू परत माघारी जा गोल्डन डकचा शिकार आणखी एक हादरा तिसरा गडी तंबूच्या दिशेने रवाना काय गाणं लावलं मित्रांनो पहा क्रिकेटचा नादात मित्रांनो ग्रेट या मैदानावरती पहा काय घडतंय लागोपाठच्या दोन चेंडू वरती दोन विकेट ऑन हॅट्रिक वरती लोकेश आपल्याला पाहायला मिळतोय याच साठी केला होता अट्टास सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स 30 उसगाव आयोजित आमदार चषक 2024 दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना यावेळी परत एकदा फटका बॅटला लागतोय या ठिकाणी जातो फाईन लेग तर्जने पाठला केला जाईल चेंडू शर्यत जिंकेल का अडवला जातोय चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये दोन धावा तोपर्यंत पूर्ण केल्या जात आहेत अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण क्षेत्ररक्षकाला दाद दिली जाते या ठिकाणी दीपक असं या क्षेत्ररक्षकाचं नाव त्याला कमबॅक करण्यासाठी साध्य ठरतोय दोन धावाने एकूण धाव संख्या मात्र पुढे सरकते 46 धावा धावपलकावरती चार षटकांचा खेळ झालाय समाप्त 12 चेंडूंचा खेळ बाकी 25 धावांची असेल अजूनही आवश्यकता की आवश्यकता क्या मैच में लिखा है क्या मैच में छिपा है देखने वाले बात सरफराज गेंदबाज पर इस बार गेंद हवा में खेला है कैच की संभावना दीपक वापस से बैंड और एक विकेट निकलता हुआ बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश लेकिन टाटा गुड बाय खत्म और एक विकेट
आखिरी गेंद डाली नहीं जाती तब तक भाकित करना गलत माना जाता है, क्योंकि हारने वाली टीम कभी कभार जीत जाती है, जीतने वाली टीम कभी कभार हार जाती है। ये तो क्रिकेट का कुमार है, ये तो क्रिकेट का जलवा है, ये तो क्रिकेट का नशा है मैदान पर। अब वापसी तो कुछ हद तक तो हुई है, मैं तो कहूंगा बहुत हद तक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हद पार करनी है दोनों टीमों को। जीत की सीमा लांघनी है मैदान पर। देखने वाली बात होगी क्या होगा इस आने वाले समय में। सरफराज ने पहली गेंद पर एक विकेट चटकाया, चलता कर दिया विकेट को, नए विकेट को, और एक आसिफ नए बल्लेबाज मैदान पर। ओ, इस बार देखिए दूर से खेलने की कोशिश, काफी दूर गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड का आता हुआ अतिरिक्त और एक रन खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ टोटल जो के आगे बढ़ता हुआ 47 रन, 24 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। करवट बदल रहा है ये मुकाबला। और इस बार टांगों के ऊपर गेंद, इस बार खेला जरूर मिड विकेट के बीच में, वहां पर खिलाड़ी जब तक आते गेंद को फील्ड करते, एक रन और खाते में, सिंगल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो मुकाबला अगर बात की जाए साई गणेश की ओर झुक रहा था, वो मुकाबला लगभग आर्यन पैंथर्स ने खींच कर लेकर आए है इस मैदान पर। देखना है, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, अभी भी रोमांच अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सरफराज नवाज फिर एक बार बल्लेबाजी से रन नहीं बने, लेकिन गेंदबाजी में कारवाचन दिखाते हुए, और इस बार खेल दिया, हवा में खेल बैठे, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, लेकिन गेंद निकलती हुई, चीरती हुई 6 रन के लिए। फिर एक बार करवट बदलता हुआ मुकाबला आ रहा है, इस छक्के के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए गणेश रॉयल्स टीम के टोटल पहुंचा 54 रन पर। 17 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। मैच फिर एक बार बन रहा है, मैच में फिर एक बार रोमांचकता नजर आ रही है। ओ, ये अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार वापसी करता हुआ ये खिलाड़ी इस दूत सुनाए स्टेडियम पर। ये चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, कल तक आपने दोपहर के शाम के मुकाबले देखे, सुबह के मुकाबले देखे, लेकिन आज यहां पर देखे रात के मुकाबले। ओ, फिर एक बार, इस बार दंडे गोल, पावरफुल सरफराज नवाज। अच्छी बल्लेबाजों की थोड़ी सी हारा करी, लल्ला लौटे, सैयद बद्दी लौटे, और उसके बाद तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी मैदान के अंदर देखने को मिली है। शेरू को अब अपने टीम को जीत दिलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जलवा दिखाना पड़ेगा बल्ले के साथ, शेर दिल बल्लेबाजी शेरू को इस मैदान पर करनी पड़ेगी। ओ, इस बार देखिए बैकफुट पर रन लेने की कोई यहाँ पर शंका नहीं है। समाप्त होती हुई, अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ, ओवर समाप्त हो गया है पांचवा, पांच ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 54 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और 17 रनों की और आवश्यकता। 17 यानी कि ये है खतरा, लेकिन खतरा किसके लिए, ये आने वाली 6 गेंदे तय करेगी किसको इस प्रतियोगिता को टाटा गुड बाय करना पड़ेगा, और किस टीम को इस प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले में गोल्डन फाइनल ग्रैंड फिनाले खेलने का मौका मिलेगा, ये आने वाली 6 गेंदे तय करेगी। आप इस प्रतियोगिता को tenniscricket.in पर देख रहे हैं, जो दर्शक tenniscricket.in पर जुड़ चुके हैं उनको भी कमेंट्री बॉक्स
बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कहिए जाइएगा नहीं, क्योंकि ये मुकाबला आपके पूरे पैसे वसूल कर देगा। आपने जो डाटा खर्चा किया है इस प्रतियोगिता को देखने के लिए, वो डाटे का पूरी भरपाई करने वाला ये मुकाबला रहेगा। ये मेरी गारंटी है और हमारी गारंटी यानी कि 100% सच होने वाली गारंटी। यहाँ पर 6 गेंदों का खेल बाकी है, 17 रनों की आवश्यकता। जो दर्शक यहाँ पर मौजूद है मैदान पर, वो देख रहे इस मुकाबले को, उनका भी पूरा मनोरंजन होता हुआ। क्रिकेट का मुकाबला इस तरह से चलता रहे कि आखिरी गेंद जब तक डाली ना जाए तब तक किसी को सोचना ना, सोचने के लिए मजबूर ना होना पड़े कि ये मुकाबला एक तरफा हो गया है। आखिरी ओवर और नंदेश गेंदबाजी के मोर्चे पर, 6 गेंदे 17 रन। कौन सी दूसरी टीम फाइनलिस्ट हमें मिलेगी? आसिफ स्ट्राइक पर, क्या मुकाबला है। ओहो, ये दबाव है, दिल की धड़कन सुनिए। ओ बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी यहाँ पर, अपील जरूर करी थी लेकिन गेंद निकली दूर थी। अच्छी गेंदबाजी, 5 गेंदे 17 रन। पहले सेमीफाइनल का ये रिप्ले तो नहीं है, कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला ये मुकाबला है। क्या फील्डिंग लाजवाब, रन पर्याप्त बनाए अपने गेंदबाजों के लिए, वो विश्वास था अपने गेंदबाजों के ऊपर। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सिंगल जरूर निकलेगा, सिंगल से खासा फर्क पड़ेगा नहीं। लेग बाइज का इशारा अंपायर का आता हुआ, 1 रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 55 रन पर। 16 रनों की आवश्यकता है और 4 गेंदों का खेल बाकी, 4 बाउंड्री से मैच ये समाप्त हो सकता है, 2 छक्के 1 बाउंड्री से मैच समाप्त हो सकता है। 2 डॉट गेंदों के साथ आर्यन पैंथर्स टीम इस मुकाबले को जीत सकते है, 3 बड़े शॉट के साथ यहाँ पर साई गणेश रॉयल्स वास्को की टीम इस मुकाबले को जीत सकते है। 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 16 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बारंबार बातचीत, बारंबार चर्चा, ये है दबाव। थोड़ी सी कुछ बातचीत हुई, चर्चा हुई दोनों अंपायरों के बीच में। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, शेरबहादुर यादव, यादव की यादगार पारी हो सकती है ये, और इस बार खेल दिया है जरूर। खिलाड़ी वहां पर तैनात डीप में, मिड विकेट पर गेंद को जब तक फील्ड करता, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए लौटना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया, 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट। 3 गेंदों का खेल बाकी और 15 रन की और आवश्यकता, 3 गेंदे 15 रन, क्या मुकाबला है। हर एक गेंद 33,333 रुपए की बन चुके है, 3 गेंदों का खेल बाकी है। सरफराज, क्या कप्तानी है मैदान पर, क्या फील्डिंग है, क्या लड़कों ने इस मैदान पर जान निछावर करी है, बहुत ही शानदार। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 1 रन ही निकलेगा, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, टोटल जो कि पहुंचा 57, 14 रनों की आवश्यकता और उसके लिए गेंदें बची है 2। अगर ये 2 गेंदे लीगली डाल देते हैं और 2 छक्के भी लग जाते हैं तो मैच जीतेगी आर्यन पैंथर 70-70 की टीम। अगर कुछ चमत्कार हो गया तो फिर एक बार वापसी होगी, देखना है। ये गेंद महत्वपूर्ण है इस मुकाबले की, हाथ आया मौका गवा दिया ऐसा कहना पड़ रहा है। पहला सेमीफाइनल भी इसी तरह का, ये दूसरा सेमीफाइनल भी उसी तरह का घट रहा है, और क्या क्या देखना बाकी है इस मैदान पर, सुपर ओवर देखना बाकी रह गया।
इस बार खेल दिया है जरूर, लेकिन क्या मिलेंगे रन? मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल। लगभग मैच से लगभग वापसी का दरवाजा बंद कर चुके हैं साई गणेश रॉयल्स टीम को। आखिरी गेम का खेल बाकी है और अब 13 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। जब बल्लेबाजी कर रही करी थी आर्यन पैंथर्स ने, मुझे लगा था थोड़े से 10-15 रन कम बनाए हैं, लेकिन क्या गेंदबाजी करी है। मैं तो कहूंगा थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी नहीं बल्लेबाजी देखने को मिली जो कि साई गणेश द्वारा, और जिसके चलते ये हाल आपको बयां करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश करने वाले दूसरी टीम बन चुके आर्यन पैंथर्स 70-70 की टीम इस मैदान पर। वेल डन, वेल प्लेड बॉयज, आर्यन पैंथर्स 70-70। साई गणेश रेल